बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। मेरे तमाम दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम दोस्तों, हमने सूद के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिहाद करने का जो अज़म किया था, उसके समरात, उसके रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो आपने भी अपने महल्ले, अपने इलाके में, अपने अजीज़ों अकारब में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं भी आपका कोई जाने पहचानने वाला इंसान है, कोई दोस्त है, तो उसको आपने इस चीज़ की ज़रूर दावत देनी है कि भाई सूद के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ना है, सूद वाली तमाम चीज़ों का बाइकॉट करना है, सूद वाली बैंकों का बाइकॉट करना है, सूद पर कारोबार करने वाले जो भी इंसान हैं, जो बंदे हैं, चाहे वो आपके कितने ही कीमती दोस्त हों, उनको आपने फरामोश करना है और उनको आपने बिल्कुल इस अंदाज़ के साथ उनको आपने डील करना है कि उनको बताना है कि अभी हम आपके साथ इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं रख सकते, कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी नहीं रख सकते, जब तक आप सूद के ख़िलाफ़ और अज़म तरीके से जिहाद नहीं करते। मेरे तमाम दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगियों को पाक करना है और अपनी ज़िंदगियों को सुकून देना है, इत्मीनान देना है। दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे के सिवा कुछ नहीं। दुनिया में जितने लोग भी आए हैं, बड़े बड़े सरमायादार लोग आए हैं, बड़े बड़े जिनकी जेबें 24 घंटे पैसों से भरी पड़ी होती थी, वो लोग जब इस दुनिया से गए, मुसाफिर बन के गए, तो वो ऐसे मुसाफिर थे कि उनके पास एक रुपए, एक पैसा तक भी नहीं था, क्योंकि दुनिया है ही धोखे का सामान है। इस दुनिया में जो भी बंदा आया, वो मालो दौलत की आजमाइश में भी डाला गया, लेकिन उसको ये भी परखा गया कि इसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी है, तो वो आया कि गरीब, यतीम, मस्कीन, दुखी इंसानियत के लिए कुछ कर सकता है या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बहुत कड़ा इम्तहान होता है। तो मेरे तमाम दोस्तों, ऐसे तरह के लोग बेशुमार आपको मिलेंगे जो साहब हसीयत होने के बावजूद भी राह खुदा में अपना पैसा खर्च नहीं करना पसंद करते और अपने पैसों को, अपनी दौलत को सूद पर खर्च करते हैं और सूद पर लेन देन बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों पर लानत है, अल्लाह पाक तो लानत फरमा रहा है। जो लोग सूद पर लेन देन करते हैं, उनके लिए बहुत बुरी बाईद भी सुनाई गई है कि लोगों बाज़ आ जाओ, सूद के दुगना चुगना खाने पीने से बाज़ आ जाओ। तो इसलिए मेरे तमाम दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हमसे वादा किया है कि भी आपने सूद के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, तो फिर हमें भी हक मानता है कि हम इस जिहाद को अवलीन फ़र्ज समझें। और मेरे तमाम दोस्तों, अगर आप वाकई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपकी नवाजिश होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मैसेज के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर। अपना, अपने अहबाब का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।